वहाँ का लुजेल स्टेडियम में जो पहला कार्यक्रम था, जो शुरुआती फर्स्ट प्रोग्राम जो उन्होंने बॉलीवुड से शुरुआत की है, इसकी फीफा ने ही शुरुआत की है, तो वो जो बॉलीवुड का कार्यक्रम था उसके अंदर में सबसे पहला कार्यक्रम हमारे बैंड को उन्होंने अवार्ड किया, परफेक्ट अमेलगमेशन, जो कि मेरा कंपोज किया हुआ एक सेट है। परफेक्ट अमेलगमेशन जो शो है वो इस प्रकार का शो है कि इसमें कोई सिंगर नहीं होता, कोई वोकल्स नहीं है, मैं एक म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, तो मैंने जो मेरी कंपोजिशन की हुई है अलग अलग साजों पे, अलग अलग विभिन्न, और एक कंपनी है दुबई की, जो दुबई और लंदन बेस्ड कंपनी है PME वर्ल्ड, जो दुनिया के काफ़ी बड़े इवेंट्स करती है, तो जब उन्हें ये शो पसंद आया तो उन्होंने इसे फीफा के अंदर में पिच किया। फीफा वालों को भी लगा कि खाली गानों के अलावा ये कोई नई चीज़ है जिसे वो देखना चाहते हैं, और उन्होंने हमें एक मौका दिया। एक सवा घंटे का परफॉर्मेंस था, उसके अंदर हमने 8 ट्रैक बजाए, और हमने कोशिश की कि हम इस तरीके से भारत के साज को, भारत के रागों को, जो नॉर्थ इंडिया के राग हैं, कालकला कर्नाटक के, उनको किस तरीके से फ्यूजन करके दुनिया तक पहुँचा पाए। तो ये परफेक्ट अमेलगमेशन बना, और मुझे बहुत खुशी है कि इस परफेक्ट अमेलगमेशन को जो मंच मिला वो फीफा का इतना बड़ा मंच था, जहाँ पे बहुत सराहा गया। फीफा के चेयरमैन वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कमेंट किया कि इस प्रकार का फ्यूजन शो मैंने नहीं देखा है, पर मैंने शुरुआत करते हुए पहला सेंटेंस ये बोला, आई बिलोंग, मैंने ये नहीं बोला आई कम, मैंने कहा आई बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन इंडिया, रतलाम मध्य प्रदेश, एंड आई एम हैप्पी दैट आई कुड मेक इट टिल हियर एंड एंटरटेन यू। इस वाले इवेंट के लिए बहुत अच्छी बात ये रही कि हमें जब उस स्टेडियम में पहुँचे तो उस स्टेडियम के अंदर में जो हमारा वेलकम किया गया तो हमें भी नहीं पता था, तो हम जब पूरा बैंड वहाँ पर खड़ा था तो उस स्टेडियम के ऊपर से 6 प्लेन ऊपर से निकले और उनमें से उन्होंने कतार के झंडे के कलर बाहर निकाले थे, और वो जो एक मोमेंट था, और उसके साथ अनाउंसर ने अनाउंस किया कि वेलकम सिद्धार्थ कश्यप विद परफेक्ट अमेलगमेशन टू कतार, तो मुझे लगा मेरे ये सबसे खुशी की बात है, और वो और मुझे सबसे बड़े गर्व की बात ये होती कि मैं रतलाम से मैंने शुरुआत की, और मैं हमेशा याद करता हूँ कि जो मेरे सर मैंने जिनसे सबसे पहली बार सीखा, अशोक देसाड़ जी, उन्होंने रतलाम में मुझे सिखाया। अगर उन्होंने उस बचपन में जो मुझे इंटरेस्ट क्रिएट किया म्यूज़िक के लिए, और उनसे जितना सीख पाया वो सीख करके, और फिर बम्बई गया, घर परिवार का हमेशा सपोर्ट रहा, पापा मम्मी दादी सभी लोगों ने बहुत, और जितने दोस्त थे मेरे उन सब लोगों ने हमेशा एक बिलीफ के साथ में मुझे हमेशा मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, इसको करने के लिए। और जब मैं बम्बई पहुंचा तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं वहाँ पर और म्यूज़िक के बारे में सीख पाया, जब मुझे रविंद्र जैन साहब ने काफ़ी सिखाया, मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी, जिन्हें जो मेरे मेंटर हैं, गुरु हैं, आज भी उतने ही प्रेम से जब भी जाता हूँ मिलता हूँ तो वो मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखा करके बोलते हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते इस मकाम तक पहुँचा। तो ये आप सभी लोगों की दुआएँ, आप सभी लोगों का प्रेम है, और इसीलिए जब मैंने शो की शुरुआत की तो मैंने पहला वहाँ पर फीफा के मंच पर कहा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।